A very good morning to all of you. Good morning. कैसे हो सब? बढ़िया? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? Exam start हो गई है, so I hope आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपको exam revision के videos भी मिल जाएंगे. जैसे जैसे आपके exam होंगे उससे पहले आपका video upload हो जाएगा. किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको किस तरीके से आंसर्स करने हैं, वो सारी चीजें आपको मैम यहाँ पे बता रही हैं. इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पेपर सॉल्व करना कैसे है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो आपको आसानी से पता चल जाए. उसके लिए हमने ये एग्जाम रिवीजन का वीडियो बनाया है, ठीक है. So, आपके पेपर का पैटर्न एज इट इज ऐसा ही रहेगा. सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाएंगे, सिर्फ अंदर जो हमको पूछना है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको करना ऐसे ही है जैसे मैम आपको सॉल्व करवा रही है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राइट मिसिंग नंबर्स, मतलब जो मिसिंग नंबर्स है, ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं उसके अंदर कौन से नंबर्स आएंगे वो आपको लिखना है. तो 41 से लगा के 5050 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं यू हैव टू राइट डाउन. तो 41 के बाद क्या आता है? 4141 के बाद 4242, उसके बाद आएगा 4343, 4444, उसके बाद 4545, then 4646, then 4747, उसके बाद 4848, उसके बाद 4949 और 5050. So हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. 41 से लगा के 5050 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन मिसिंग नंबर्स बिटवीन 41 टू 50. 41 और 50 के बीच में, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये कहीं पूछा जाए, एग्जाम में कुछ और भी आ सकता है, लेकिन पैटर्न विल बी सेम, पैटर्न ऐसा ही रहेगा. आपको 11 टू 20 भी पूछा जा सकता है, 31 टू 40 भी पूछा जा सकता है, 41 टू 50 भी पूछा जा सकता है. वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या पूछा है एग्जाम में, लेकिन पैटर्न यही रहेगा. 41 से लगा के 50 के बीच के नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? काउंट एंड राइट नंबर इन बॉक्स, मतलब ये जो पिक्चर्स हैं उनको काउंट करके वो कितने हैं वो नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं उसके अंदर यू हैव टू राइट डाउन. ये कितने पिक्चर्स हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना रहेगा. सो अपन काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14. फर्स्ट वाले बॉक्स में ट्री के कितने पिक्चर्स हैं? 1, 4, 14 पिक्चर्स हैं. तो अपन को बॉक्स में लिखना है 1, 4, 14. क्यों? क्योंकि ट्री के कितने पिक्चर्स हैं? 1, 4, 14 पिक्चर्स हैं. तो हमने बॉक्स के अंदर क्या लिखा? 1, 4, 14. उसके बाद नेक्स्ट वाले में कितने स्टार्स बने हुए हैं वो काउंट करना है. उसके बाद ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर आपको वो नंबर लिख देना है. सो लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20, 2, 1, 21, 2, 2, 23, 23, 2, 4, 24. कितने स्टार्स बने हुए हैं? 2, 4, 24. तो बॉक्स में क्या लिखेंगे हम? 2, 4, 24 लिखेंगे, क्योंकि स्टार्स कितने हैं? 24 स्टार्स हैं. तो यहाँ पे बॉक्स में हमने 2, 4, 24 लिख दिया, ठीक है. सो मूविंग अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं तो वो क्या है?
काउंट एंड सर्कल करेक्ट नंबर, मींस ये जो पिक्चर दिए हुए हैं उनको काउंट करो और कौन सा नंबर सही है, कितने ये पिक्चर है उसका जो नंबर है उसके ऊपर सर्कल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18 कितने हैं ये 1, 8, 18 पिक्चर्स है। तो यहाँ दिख रहा है 1, 8, 18 यस ये रहा। तो उसके ऊपर हमको क्या बना देना है, सर्कल बना देना है। ओके ओके सो नेक्स्ट अप स्टार्स के पिक्चर है तो नीचे देखना है कौन सा नंबर सही है उसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15 कितने स्टार्स है ये 1, 5, 15 तो नीचे दिया हुआ है 15 नंबर यस ये रहा। तो उसके ऊपर क्या बना देना है हमको, सर्कल बना देना है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक बॉक्स के अंदर आपको पिक्चर्स दिए हुए होंगे और नीचे नंबर्स भी दिए हुए होंगे, लेकिन आपको करेक्ट नंबर जो है उसको फाइंड आउट करके उसके ऊपर सर्कल बनाना रहेगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट बिटवीन नंबर्स, मतलब ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उसके बीच का नंबर आपको लिखना है, उन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, यू हैव टू राइट 2A28-23030। तो 28 और 30 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 2A28 के बाद क्या आता है 2929 यस वेरी गुड। तो 28 के बाद आया 29
क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट नंबर नेम्स फॉर गिवन नंबर्स। आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए होंगे, उसके आगे आपको उनके नंबर नेम लिखने हैं। 1 से लगा के 2020 तक के नंबर नेम्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, रिवीजन भी करवा दिया है मैंने, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम नंबर नेम्स तो हमने पढ़े ही नहीं है, क्योंकि हमने नंबर नेम्स पढ़े हैं, लिखे भी हैं नोटबुक में, राइट। सो अभी आपको यहाँ पर इनकी स्पेलिंग लिखनी है। तो फर्स्ट कौन सा है? 1111 की स्पेलिंग क्या होती है? E-L-E-V-E-N 11। तो यहाँ पे आपको 11 का स्पेलिंग लिखना है। फिर पूछा है 18 का स्पेलिंग, तो 18 की स्पेलिंग क्या होती है? E-I-G-H-T-E-E-N 18, राइट, सीखी थी ना हमने, यस। फिर पूछा है 20 का स्पेलिंग, तो क्या होता है 20 का स्पेलिंग? T-W-E-N-T-Y 20, राइट। फिर है 17, तो 17 का स्पेलिंग क्या होता है? S-T-V-E-N-T-W-E-N 17। तो आपको इस तरीके से, जरूरी नहीं तो जो वहां पे पूछी है आपको वो लिखना है, यही का यही नहीं लिखना है, जो आपको एग्जाम पेपर में पूछा गया है उसका स्पेलिंग आपको वहां पर उसका नंबर नेम लिखना रहेगा। जो भी नंबर्स दिए हैं एग्जाम में उसका नंबर नेम यू हैव टू राइट, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, काउंट एंड मैच विथ नंबर, मतलब यहाँ जो पिक्चर्स दिए हुए हैं वो काउंट करो और उसके करेक्ट नंबर के साथ उसको मैच करो। तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको 1 3 13, यस ये रहा, तो उसको 1 3 13 से मैच कर लेना है। फिर नीचे वाले पिक्चर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19, तो आपको दिख रहा है 1 9 19 कहीं? यस ये रहा, तो उसको उसके साथ मैच कर देना है। फिर लास्ट में 3 दिए हुए हैं, वो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, देखो ये रहा सबसे ऊपर 5 नंबर, तो उसको उसके साथ मैच कर देना है। सो आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है और आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। ये हमारा एग्जाम का रिवीजन था, मैथ्स का आपका जो पेपर होने वाला है ये उसका रिवीजन है। क्वेश्चन पैटर्न विल बी सेम एज इट इज, यहाँ पे जैसा दिया हुआ है आपका एग्जाम का पैटर्न वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ अंदर के नंबर्स चेंज हो जाएंगे, पिक्चर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न यही का यही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ही उसका आंसर लिखना है। फर्स्ट में आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, जो ब्लैंक्स दिए हुए होंगे उनको फिल करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में बॉक्स के अंदर आपको जो पिक्चर्स है उसका करेक्ट नंबर कितने हैं, वो पिक्चर्स वो पर्टिकुलर नीचे बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में है पिक्चर्स दिए हुए होंगे और नीचे नंबर्स भी दिए हुए होंगे, लेकिन आपको क्या करना है उस पिक्चर का करेक्ट नंबर कौन सा है उसके ऊपर सर्कल बनाना है। फिर क्या है, दो नंबर के बीच का नंबर आपको लिखना है, बिटवीन नंबर्स, टू नंबर्स दिए हुए होंगे बीच में ब्लैंक होगा तो उस ब्लैंक को आपको करेक्ट नंबर के साथ फिल करना है। आफ्टर बिफोर आपको पता ही है, जहां नंबर के पहले डैश दिया हुआ है तो वो बिफोर नंबर्स है, आफ्टर में बाद में डैश दिया हुआ होगा तो वो आफ्टर नंबर है, तो वो आपको बिफोर और आफ्टर नंबर जो नंबर दिए हुए हैं उसके बाद वाले और पहले वाले नंबर्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नंबर्स दिए हुए होंगे आपको उसके नंबर नेम लिखने हैं, जो नंबर्स यहाँ इस तरफ दिए हुए हैं सामने की तरफ आपको उसकी उसकी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक तरफ पिक्चर्स दिए हुए होंगे और एक तरफ नंबर्स दिए होंगे, तो वो कितने पिक्चर्स हैं
उस रो में से फाइंड आउट करके उस नंबर के ऊपर आपको मैच करना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो डू प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पेपर करना, अच्छे से लिखना और अच्छे अच्छे